तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल जिंदगी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज की वीडियो किस बारे में होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं हिंदी में OBS के ट्यूटोरियल के बारे में सब कुछ बताऊँगा, सारी सेटिंग्स के बारे में समझाऊँगा। तो दोस्तों, देखते रहिए आप हमारा चैनल टेक्निकल जिंदगी। तो सबसे पहले मैं दिखा दूँ अपना OBS की किस तरह से है। तो मेरा OBS है एंड इसमें बहुत सारी सेटिंग्स हैं, तो मैं एक एक करके आप सभी लोगों को बता दूंगा। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने सेटिंग्स में। यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं एंड यहाँ पे आप सभी लोगों को क्लिक कर देना है। एंड आप सभी लोग सबसे पहले जर्नल देख लीजिए कि जर्नल में क्या क्या सेटिंग्स हम कर सकते हैं। तो सिंपली डिफ़ॉल्ट हमारी इंग्लिश लैंग्वेज रहती है एंड थीम भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं अपनी थीम को सिस्टम के थीम की तरह डार्क रखा हूँ, आप सभी लोग डार्क या फिर वाइट रख सकते हैं। दोस्तों, ये रही हमारी थीम्स के बारे में। ऑटोमेटिकली चेक फॉर अपडेट ऑन स्टार्टअप। जी हाँ दोस्तों, ये अपडेट चेक करने के लिए ऑटोमेटिक आप इसे ओके कर सकते हैं। ओपन स्टेटस डायलॉग ऑन स्टार्टअप, ये भी उसी से रिलेटेड है। एंड आउटपुट ये हमारा है। मैं आपको सिर्फ ज़रूरी ज़रूरी सेटिंग्स बताऊंगा, बाकी ज़्यादा कुछ बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं सब कुछ नहीं बताऊंगा। सोर्स अलाइनमेंट, स्नैपिंग एंड दूसरा हमारा प्रोजेक्टर है एंड सिस्टम ट्रे प्रीव्यू इंपीरियल स्टूडियो मोड। तो ये सेटिंग्स को हम छोड़ देते हैं। ज़्यादा ज़रूरी हमारा स्ट्रीम, अगर आप स्ट्रीमिंग करते हैं तो स्ट्रीम की सेटिंग्स को ओपन करके यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है जिस तरीके जिसका आपको स्ट्रीमिंग करनी है। जहाँ दोस्तों, तो बहुत सारे ऑप्शंस आप सभी लोग देख सकते हैं, फेसबुक, इंस्टा या फिर ये ब्रेकर टीवी, बहुत सारे हैं। आप सभी लोग जो फेसबुक लाइव या फिर गेम टिप्स टीवी, जो फिर जो कुछ आप स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे उसकी स्ट्रीम की की को डालना है एंड आपको अपनी स्ट्रीमिंग स्टार्ट करना है। तो ये रही हमारी स्ट्रीमिंग एंड यहाँ पे हम आउटपुट देख लेते हैं। आउटपुट में हम यहाँ पे, अगर आपका कंप्यूटर ज़्यादा प्रोसेसर का है तो आप सभी लोग यहाँ से अपने वीडियो बिटरेट को बढ़ा सकते हैं, उसी क्वालिटी का आपका वीडियो आएगा। यहाँ पे इनकोडर है, तो मैंने अपना शार्पवेयर इनकोडर गुड़े 264 कर रखा है, क्योंकि ये बहुत स्मूथली चलता है। आपका कंप्यूटर अगर ज़्यादा प्रोसेस का है तो आप सभी लोग गुड़े 264 कर सकते हैं। यहाँ पे रिकॉर्डिंग पाथ है जहाँ पे आपकी रिकॉर्डिंग सेव होगी, तो आप सभी लोग इसे चेंज भी कर सकते हैं। मैं चेंज नहीं करूँगा क्योंकि मैं अपने सही फाइल रखा हूँ सेव करने के लिए। तो ये सब कुछ था हमारी सेटिंग्स के बारे में एंड उसके बाद हमारा ऑडियो का सेटिंग्स आ जाता है। तो यहाँ पे ऑडियो की सेटिंग्स में हम लोगों को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप माइक लगाए हैं तो यहाँ पे माइक अक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे इनेबल पुश टू म्यूट, यानी कि इसे इनेबल कर देंगे तो आप पुश करेंगे तो आपका माइक म्यूट हो जाएगा। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ये डेस्कटॉप ऑडियो है जो कि आपके सिस्टम से ऑडियो रिकॉर्ड होगी बिना माइक के, वो यहाँ पे हैं। तो आ जाओ वीडियो में। वीडियो में हम सभी लोग चेंज कर सकते हैं वीडियो का रेजोल्यूशन एंड आउटपुट रेजोल्यूशन सब कुछ। यहाँ पे आप जितनी बढ़ाएंगे उतनी अच्छी क्वालिटी का वीडियो आप सभी लोगों के रिकॉर्डिंग में आएगा। तो ये रही हमारी वीडियो। तो यहाँ पे हम लोग, हमारा शो नहीं हो रहा है इसलिए, क्योंकि मैं इस टाइम रिकॉर्डिंग पे हूँ प्रेजेंट टाइम में, इसलिए ये सब शो नहीं हो रहा है। बट आप सभी लोग इसे बढ़ा के अपने रिकॉर्डिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे हॉट कीज हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप सभी लोग शॉर्टकट की यहाँ पे यूज करके आप सभी लोग अपने OBS को यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अपने स्टॉप रिकॉर्डिंग एंड स्टार्ट रिकॉर्डिंग को स्पेस की पे रखा। जी हाँ दोस्तों, हम इसे मिनिमाइज करके सिर्फ स्टार्ट की प्रेस कर देते हैं एंड हमारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाता है। एंड दोबारा हम
स्टॉप रिकॉर्डिंग पे स्पेस की को प्रेस करते हैं, फिर हमारा रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाता है। तो जैसा कि आप सभी लोग स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए भी कोई की प्रेस कर दीजिए। जैसे मान लो मैं यस प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर अभी मेरा स्ट्रीमिंग सेट नहीं है, इसलिए ये मांग रहा है कि आप पहले स्ट्रीमिंग सेट करिए, उसके बाद ही आप यहाँ पे उसका की सेट कर सकते हैं। तो हम दूसरा बता देते हैं, जैसे मुझे अपने रिकॉर्डिंग को पॉज करना है तो यहाँ पे जैसा कि मैं पी लिख दे रहा हूँ एंड यहाँ पे यस लिख दे रहा हूँ, तो मैं जब अपने शॉर्टकट की पी दाबूँगा तो पी प्रेस करूँगा तो हमारी रिकॉर्डिंग पॉज हो जाएगी एंड यस दाबूँगा तो अन पॉज हो जाएगी, यानी कि चलने लगेगी दोबारा से हमारा रिकॉर्डिंग। तो यही सब हमारी शॉर्टकट की यहाँ पे ऐड करने के लिए है। एंड एडवांस में कुछ खास नहीं है, इसलिए मैं एडवांस के बारे में आप सभी लोगों को कुछ नहीं बताऊँगा। तो दोस्तों बस यही सब कुछ था OBS के बारे में। तो अब मैं और भी बता दूँ यहाँ पे OBS के बारे में बेसिक जानकारी। यहाँ से आप सभी लोग जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे मैं मिक एंड माइक और डिस्प्ले कैप्चर सिर्फ ऐड कर रखा हूँ। अगर आप सभी लोगों को कुछ और भी ऐड करना है तो ऑडियो इनपुट कैप्चर ऐड कर सकते हैं, जो आउटपुट आइडियोज़ होंगी वो सब ऐड होंगी यहाँ पे। ब्राउज़र कोई अगर नेट आप चलाना चाह रहे होंगे तो ये कंप्यूटर स्क्रीन पे यहाँ पे आपका वो ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। कोई भी वो कलर सोर्स भी यहाँ पे है एंड डिस्प्ले कैप्चर तो मैं ऐड कर ही रखा हूँ एंड गेम कैप्चर भी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप कोई गेम खेल रहे हों तो यहाँ से गेम कैप्चर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई टेक्स्ट है वो भी ऐड कर सकते हैं, इमेज स्लाइड शो सब कुछ है, आप यहाँ से ऐड कर लेंगे सिंपली। फिर आपका ये OBS उसी तरीके से कार्य करेगा। तो यही सब कुछ था दोस्तों। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ आया होगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो लाइक शेयर करें। Thanks for watching this video. Thank you.